दोस्तों आज हम आपको एयरटेल का नया सिम एक्टिवेट करने का तरीका बताएंगे, कैसे आप नया सिम एक्टिवेट कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने एयरटेल मित्र ऐप को लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद आप प्रीपेड डिजिटल एक्टिवेशन पर जाएंगे, दूसरे नंबर पर होगा रिचार्ज से नीचे, ठीक है, उसको आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद सबसे पहले वहाँ पर कस्टमर का लाइव फ़ोटो लिया जाएगा, वाइट बैकग्राउंड पे होना चाहिए कस्टमर का लाइव फ़ोटो, ठीक है भैया सामने खड़े हो गए, ठीक है ये देखिए कस्टमर का लाइव फ़ोटो आ गया। अरे ये बता रहा है लाइव फ़ोटो डज नॉट मैट वाइट बैकग्राउंड, ठीक है फिर दोबारा लेंगे। इधर आ जाइए भैया, इधर आ जाइए भाई साहब, पलक मारो, हाँ ठीक है देखिए ये वाइट बैकग्राउंड पे फ़ोटो लिया हमने, ये फ़ोटो आ गया कस्टमर का लाइव फ़ोटो। अब उसके बाद में अपलोड POA ये सिलेक्ट करेंगे हम, आधार कार्ड तो UID कार्ड सिलेक्ट करेंगे इसमें, आधार कार्ड, और उसके बाद आधार कार्ड का फ़ोटो लेंगे। नीचे अगर वाइट पेपर रख लेंगे तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो ये चारों कोने इसके आधार कार्ड के आने चाहिए, ठीक है। ये हो गई फ्रंट साइड और ये हमारी हो गई बैक साइड, ये ध्यान रहे कि आधार कार्ड का कोई भी कोना कटे नहीं, चारों कोने आने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये डिटेल हमें दोबारा भरनी होती है तो इसको हम सेम कर देंगे तो वही डिटेल यहाँ आ जाएगी, सेम एज स्पाउस, ठीक है ये सारी डिटेल वही आ गई कस्टमर की जो आधार कार्ड पे। अब एक बात ध्यान रखिए, अगर कस्टमर का आधार कार्ड ओरिजिनल है तो ये स्कैन करके बारकोड अपने आप ले लेगा ये, अगर कभी कभी ऐसा होता है जैसे कस्टमर का बारकोड फोटोकॉपी से निकला हुआ होता है तो उसमें बारकोड स्कैन नहीं हो पाता है तो ये डिटेल भरनी पड़ती है, ठीक है। तो कस्टमर का अल्टीनेट नंबर डालेंगे यहाँ पे, अल्टीनेट नंबर बताना भैया, अल्टीनेट नंबर बताओ अपना, एक सेकेंड इसमें से निकलेगा ना, 95,577,59,835, ठीक है ये कस्टमर का अल्टीमेट नंबर डाल दिया। उसके बाद हम ये करेंगे इसको नो कर देंगे, ये डिटेल भरे हुई आ गई हमारी क्योंकि आधार कार्ड ओरिजिनल है, अगर आधार कार्ड हमारा वैसा होता फोटोकॉपी वाला तो ये डिटेल भरनी पड़ती है आपको, ठीक है। उसके बाद हम अगर SUK है, अगर न्यू नंबर हम दे रहे हैं तो SUK हमारे पास नंबर वाला सिम है, नंबर वाला सिम ऐसा होता है देखिए, ये होता है नंबर वाला सिम, ठीक है। और अगर हमें MNP करना है तो MNP भी टिक करेंगे, और CYN पे जैसे हमारे पास सिम है ब्लैंक, उसमें नंबर नहीं खाली सिम नंबर होता है, तो ये CYN पे टिक करेंगे हम, यहाँ जो डाउट है इसको ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे HLR में एक नंबर डाल के हम नंबर सर्च कर सकते हैं कोई भी, तो ये नंबर आ गए इतने सारे नंबर हैं, इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लो, अगर ये नंबर ठीक नहीं है तो फिर सर्च कर लो। और अगर आप चूज़ करना चाहते हैं अपनी पसंद की कोई भी डिजिट तो लास्ट के कोई भी डिजिट डाल दीजिए, जैसे मैं डाल देता हूँ 772, तो यहाँ 772 से नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको, ये नंबर फ्री नहीं है भैया, दूसरा नंबर डालना पड़ेगा, ये भी नंबर नहीं है कोई इसमें का, ठीक है ये डाल देते हैं 73, ठीक है अब ये नंबर आ गया लास्ट में 73 है, तो हम ये नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं, यस आई वांट, ठीक है। उसके बाद ये नंबर सेलेक्ट हो गया, उसके बाद आपको सिम स्कैन करनी होती है जो भी सिम आप कस्टमर को दे रहे हैं, तो यहाँ पे सर्च, ये हमारी सिम स्कैन हो गई, सिम नंबर आ गया। कभी कभी ऐसा होता है बारकोड नहीं लेता है तो हम सिम नंबर डाल सकते हैं, ये सिम नंबर जो सिम के ऊपर रेपर के ऊपर होते हैं वो सिम नंबर डाल सकते हैं। अब इसके लास्ट में आपको लगाना होता है यू, कैपिटल लेटर में यू टाइप करेंगे, ठीक है बाकी कुछ नहीं करना है। टैरिफ प्लान सेलेक्ट करना है, जो भी कस्टमर को टैरिफ प्लान दे रहे हैं 297,497,647 या 219,249,399, तो हम 399 सेलेक्ट करेंगे अभी और ये सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद एडिशनल डिटेल में कुछ नहीं भरना है, नीचे एग्जिटिंग काउंट कनेक्शन डिटेल में एग्जिटिंग काउंट में एक नंबर और एयरटेल है तो एक नंबर, ठीक है। उसके बाद डिस्क्लेमर बाई कस्टमर, तो यहाँ उसको पढ़ना होता है लेकिन हम ये इसको टिक कर देते हैं और टिक करने के बाद हम इसको नीचे आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ कस्टमर का जो हमने अल्टीमेट नंबर डाला था उस पर OTP जाएगा, ये हमने OTP सेंड कर दिया,
ओटीपी आ गया 098665, 098665, ठीक है, इसको हम सबमिट कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद में हमें लेना है डिस्कलेशन बाई पाउज, मतलब जो भी रिटेलर का पाउज है उस रिटेलर का फ़ोटो लेना है। तो ये फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड पे हो या कैसी हो ये मतलब नहीं रखता है, कस्टमर का फ़ोटो क्लियर, रिटेलर का फ़ोटो क्लियर आना चाहिए। ये आँख बिलिंग करेंगे तो फ़ोटो अपने आप ले लेगा, ठीक है। ये कस्टमर का फ़ोटो अपलोड हो गया, फिर इसके बाद यहाँ टिक करेंगे हम और कस्टमर के नंबर पे, वो सॉरी रिटेलर के नंबर पे सेंड ओटीपी जाएगा जो भी फ्लेक्सी होगी। अगर फ्लेक्सी आपकी इसी मोबाइल में पड़ी है जिससे आप सिम खोल रहे हैं तो ओटीपी अपने आप ले लेगा, और अगर किसी अदर फ़ोन में पड़ी है तो वहाँ से ओटीपी फॉरवर्ड करना पड़ेगा आपको। तो ये हम सेंड कर देते हैं ओटीपी, ये कस्टमर के नंबर पर, रिटेलर के नंबर पर ओटीपी सेंड हो गया। अब ये थोड़ा सा वेट करिए, ये ओटीपी अपने आप ही ले लेगा। ओटीपी अपने आप ले लिया इसने, ठीक है। उसके बाद ये ओटीपी आने के बाद हम इसको सबमिट करेंगे ओटीपी को, ठीक है। ये हमारा सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद लास्ट काम रह जाता है हमारा सबमिट करने का। हम सारा काम हमारा हो गया यहाँ पे, सारी डिटेल फिल करने के बाद इसको हम सबमिट कर देंगे, ठीक है। ये हमने सबमिट कर दिया, हमारा सिम एक्टिवेशन की रिक्वेस्ट हमने डाल दी है। अब इसको फ़ोन में दूसरे डाल के वेरीफाई करेंगे, उसके बाद FR करेंगे और सिम आप कस्टमर का चालू, ठीक है।